अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी अभी हयाम को दोबारा डॉक्टर पे दिखा के आए हैं कि छोटे मोटे इश्यूज अभी चल रहे थे, प्रॉपर ठीक नहीं हुई। अब मेडिसिन फिर आज चेंज हो गई है, तो अभी हयाम को छोड़ा है अंदर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना आपको अपना जो है ना वो लॉन दिखा दें। अभी यहाँ जो है ना हमारे माशाल्लाह आप देखें कि लेमन कितने ज़्यादा लगे हुए हैं। अच्छा, और ना एक तो दफ़ा सफ़र एमरजेंसी ने यहाँ से तोड़ने पड़े हैं, ये ग्रीन ही ना कि ज़रूरत थी, बाज़ार से लिए नहीं हुए थे। और इनमें ज़फ़र रस भी बहुत है। हाँ नहीं बहुत। और हाँ, और माशाल्लाह इतने अच्छे लेमन लगे हैं और काफ़ी कह लें कि सही माशाल्लाह ना हेल्दी जो है वो पौधा है। अभी जो है ना पौधे हमारे माशाल्लाह आजकल बड़े अच्छे हुए हैं, सारे ग्रीन ग्रीन पत्ते नए भी बहुत सारे निकल रहे हैं। ये कुछ बारिशों की वजह से भी और कुछ जो है कि आजकल जो है ना मौसम भी कुछ बेहतर हुआ है। ये चंबेली का पौधा उसने मैंने आपको दिखाया था, ये गिर गया था, अभी इसे भी एक दफ़ा बंधवा दिया ताकि इसकी रूट्स जो है ना वो जो है वो मजबूत हो जाए। और आज मौसम फिर अच्छा है और थोड़े थोड़े से बादल आए हुए हैं और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी अनपैकिंग कर ली, कपड़े संभाल दिए हैं सारे कपड़े, बेडशीट्स। हिना माली ने जो वो बीज फेंका था ना इधर सामने प्लॉट में, उधर वो सूरजमुखी के, हमारे असल में सूरजमुखी लगी हुई थी, तो जब वो इनका एक टाइम होता है उसके बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, खुद ही गिर जाते हैं। तो वो जो इमरान भाई ने ना बीज उठा के ना इन फूलों के तो यहाँ सामने फेंक दिए थे, तो वहाँ देख लें सूरजमुखी के जो पौधे हैं ना वो पूरा पूरा एक पौधा ग्रो कर गया। इस तरफ से हमारी सारी जो बाड़ थी इसकी कटिंग हो गई थी और हमारी जो बाड़ है उसमें वाइट कलर के फूल हैं, ये वाले इस तरह के फूल। लॉन माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ है और हमारे इधर भी फूल बहुत प्यारे हैं, फूल बड़े प्यारे। असल में ना मैंने इमरान भाई को ना पौधों की खुद नहीं कटिंग करने दी, इमरान भाई की कटिंग इतनी प्रॉपर नहीं है, मैंने उनसे कहा था अपने मामू को लेके आना, तो फिर ये पौधा मुझे बहुत पसंद है, ये वाला इसकी शेप और पत्तों का कितना प्यारा ये लगता है। एलोवेरा भी बहुत ही ज्यादा है हमारे लॉन में। अभी कटिंग जो है ना आप ये देखिए सिर्फ के पौधे जो है ना पत्ते नए कितने आए हैं। आज की वीडियो देख के अम्मी ने बहुत खुश होना है क्योंकि लॉन के हालातों वाकया बहुत ही अच्छे हैं। ये वाला हमारा मैंने दिखाया था उस दिन दरख्त गिर गया था, अब ये रस्सियों के साथ ना तीसरी छत से जो है ना इसको जो है वो बंधवा दिया क्योंकि इसकी कटिंग ऊपर से करना चाह रहे थे इमरान भाई, लेकिन अम्मी कहती हैं कि कभी भी सर वाली साइड से जो है ना पौधों को नहीं काटते, तो अभी ना हमने एक दफ़ा इसको बंधवा दिया, इसके नीचे से प्रॉपर कटिंग करवाई। हाँ, हालांकि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मैंने उन्हें देखा है इसके ऊपर बैठे रहते हैं वो और जिनकी बॉल जाती है। बहरहाल अभी आप देखें हमारे माशाल्लाह लॉन और पौधे इंतहाई खूबसूरत ग्रो किए हुए हैं और बड़ी अच्छी ग्रोथ है। कटिंग जो है ना इमरान भाई के मामू को बुला के ना हमने करवानी है, इमरान भाई को मैंने रोका था कि आपने नहीं करनी क्योंकि अभी सारी कटिंग होने वाली है, जिस दिन कटिंग होगी वो भी लोग भी शेयर करेंगे। वैसे हमारी गली में काफ़ी पौधे हैं, इस गली में भी और इस वाली में सबके ही है सर वो, बल्कि जहाँ वो वाइट गाड़ी खड़ी है उधर पीछे देख रहे हैं उनको कितना भरा हुआ लॉन है। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं अंदर, हम लोगों ने पीनी है थोड़ी सी चाय और आज आप सबको हमने देना है, वो बाइक वाली ना मुझे कितने वो से देखती है कि क्या कैमरे के आगे बोल रही है, तो आज आपको देना है हमने एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़। हम भी एक्साइटेड हैं कि ये खबर जो है वो आपके साथ हम करें शेयर। और अभी चलते हैं अंदर, हयाम फातिमा से आपको मिलवाते हैं। आज हयाम फातिमा की एक और फ्रेंड भी आई हुई है और मेरे मामू की तरह वो हेल्पर है, वो बच्ची भी आज हमारे पास है क्योंकि वो ज़रा गए हुए हैं कहीं, आके उसे पिक करेंगे। तो आज हयाम जो है ना अस्मा और आमना दोनों से खेल रही है। चलते हैं जी अब अंदर, आप सोचा आज ना अभी उतरे थे लॉन देख रहे थे आपको भी दिखा दें, अभी अम्मी आएंगी ना तो फिर घर का जितना फ्रंट और ये सारा वैसे पेंट होने वाला हो गया, ये अम्मी के आने पे शुरू करवाएंगे जब अम्मी आ जाएंगी। तो अभी चलते हैं जी अंदर और हयाम फातिमा से आपको मिलवाते हैं। अपने पीछे तो देखें जरा, ये बच्चा कौन है, ये पता नहीं कौन सा बच्चा आया है आज हयाम फातिमा। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, मैंने सोचा हयाम से आपको मिलो, हयाम आज माशाल्लाह बड़ी खुश है क्योंकि हयाम की दो दो फ्रेंड्स ये देखें खुशियां चेक करी वो ये क्या करती है उसने उधर से उतार दिया। वो असल में पता क्या करती है अपनी, वो उतार के ना सारी साइड स्ट्रिप्स तो आमना के पास जाके उसे कहती है कि मेरी ठीक करो। अभी माशाल्लाह यहाँ ढेर था टॉयज का, ये तीनों खेल रही थी, ये देखें आमना के साथ कैसे खेलती है। तो अभी जो है ना यहाँ आ गए हमारे,
अभी हम लोग पी लो चाय और उसके बाद में निकलेंगे बाहर। और हयाम अस्सलाम वालेकुम तो कर लें आप सबसे, सब इतना पूछ रहे थे आपने मुंह पे क्या लगाया है, बनाना खा रही थी। चलो अस्सलाम वालेकुम करो सबको, सबको थैंक यू भी कहो जो आपके लिए इतनी सारी दुआएं कर रहे थे, कहो थैंक यू। शर्म आ रही है आपको? उसको लाइट का पता चल गया, वो सब कहते हैं पता नहीं है, हयाम बोलती नहीं है, जरा बोल के दिखाओ कि कितनी आपको चाय है। चाय मानो जाओ बाबा बाबा, हयाम ना से खुलवा लो जाओ। और ये है कि अभी हम लोग चाय पीते हैं और आपने वैसे अच्छा थोड़ा। हाँ मैंने नया पहन लिया, मैंने कहा मुहर्रम से पहले पहले पहन लूं एक दफा। और इसके अलग शर्ट ये लेके गए थे टूर के साथ, लेके गई थी, वहां मौका ही नहीं मिला है हयाम की वजह से, जल्दी वापस आ गए थे। तो अभी जी हम लोग पीते हैं चाय और जो फिर हमारा सरप्राइज है वो आपके साथ चल के शेयर करते हैं, ठीक है? अपनी फ्रेंड को भी दे के आओ कपकेक, वो भी खाएं। दे आओ क्या बाबा? अच्छा चलो बाबा तो कहो, मामा नहीं बाबा, देख ले चले कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हम लोग आए थे शॉपिंग क्लब क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी हमने घर की ग्रोसरी की, वो ले ली हैं, बच्चों को घर ही छोड़ आए क्योंकि बहुत गर्मी थी। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है पूछने में कि ये जिस घर में हम रहते हैं घर आपका अपना है किराए पे है, क्या सिस्टम है क्या कुछ है? तो ये घर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना है और ये घर बेसिकली मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे और ज़फ़र को शादी के बाद दिया था एज अ गिफ्ट, क्योंकि सारी फैमिली माशाल्लाह बाहर रहती है और अभी ज़फ़र और मैं और मतलब मेरी फैमिली यहाँ थी, लेकिन वो हुसैन क्योंकि पाकिस्तान आके नहीं रहता तो हम सब ने भी अब किया कि चलो वहाँ आना जाना सबका हो जाएगा। तो बेसिकली ये घर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना है और जब बाहर से भी सब आते हैं हम इसी घर में रहते हैं और बेसिकली ये घर मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को शादी के बाद गिफ्ट दिया था। तो अभी जो घर आपको दिखा रहे हैं वो भी हमारा अपना है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी हमारी जो फैमिली है यानी कि मेरे पेरेंट्स, हम सब बहन भाई, आगे से मेरी भाभी हैं, बहनोई हैं, जफर, हम सब माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमारा एक ही घर एक ही किचन एक ही खाना पीना, चाहे वो स्पेन हो चाहे वो इधर हो, तो हमारा माशाल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो ये घर जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये भी हमारा अपना है और अभी बनाना शुरू किया है क्योंकि थोड़ा सा हमें था कि जिस घर में हम रहते हैं ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो एज आ आप कह लें कि फैमिली वाइज भी कि माशाल्लाह फैमिलीज भी एक्सटेंड हो रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अब हमने सोचा कि चलें घर एक और होना चाहिए। प्लॉट्स वगैरह तो काफ़ी सारे थे लेकिन ऐसे ही ना सबको शौक आया कि जी घर एक और बनाना है, तो जी हमने स्टार्ट किया। तो चलते हैं आज आपको अपना दूसरा घर भी दिखाते हैं और फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगे। तो अभी जी हम लोग आ गए हैं अपनी कॉलोनी में जहाँ पे हमारा घर बन रहा है और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, हम बहुत एक्साइटेड थे आपके साथ शेयर करने के लिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। बेसिकली इस घर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लोग सबको शौक था कि जो है ना स्पेनिश स्टाइल में घर बनाया जाए, वरना हमारी सारी फैमिलीज आपको पता है थोड़े थोड़े से हम लोग हैं लेकिन माशाल्लाह हमारी इस साइड पे अभी बने नहीं इतने प्लॉट, कुछ कुछ बने हुए हैं। अभी वहाँ एक जज का घर बन रहा है वो जो हमारे साथ सामने है और अभी थोड़े थोड़े घर है। असल में कॉलोनी बहुत पुरानी है लेकिन नए नए फेज़ जो है ना वो कटिंग होती जा रही है आगे आगे प्लॉट्स की, तो फिर हम लोगों को सबको पूरी फैमिली में सब लड़कों को हमारे घर में स्पेशली शौक़ था कि स्पेनिश स्टाइल का घर होना चाहिए। अभी आपको आइडिया इसका नहीं होगा, जब सारी फिनिशिंग वगैरह होगी तब पता चलेगा। एक्चुअली हम लोग ना अभी काम जब ट्रिप पे जाने लगे थे ना इसका रुकवा के गए थे कि हम लोग आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जितना मटेरियल है चीज़ अभी ये ना इस कॉलोनी की साइड के ना पाइप डाल रहे हैं ये वाले सारे। हाँ जी ये सारे पाइप वगैरह डाल रहे हैं। अभी एक बेसिकली डेवलपमेंट भी चल रही है, रोड्स का काम भी चल रहा है। पहले आप सबसे इसलिए शेयर नहीं किया था कि हमारा प्लान था कि थोड़ा सा ये कम्प्लीट हो जाए फिनिशिंग की तरफ जाए तो फिर अचानक सरप्राइज देंगे, तो फिनिशिंग की तरफ जाना शुरू हो गया काम। अब देखें हम सब रहते हैं उस घर में क्योंकि यहाँ तो मोस्टली ज़्यादा जफर या मैं या हमारी फैमिली नहीं होना है, बाकी सब महीने में साल में कह लें एक डेढ़ माह आते हैं और चले जाते हैं वापस। अभी हम सब ने भी आना जाना है, अब हमारा भी उस तरफ को लग गया तो देखें क्या होता है। बहरहाल जी शौक का कोई मूल नहीं है तो ये शौकिया शौकिया काम जो है ना वो शुरू हो गया। अब फिनिशिंग की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब आपने अंदर से देखना होगा अभी जो है ना कल से या परसों से जो है ना या हम सोच रहे हैं कि 10 मुहर्रम के बाद फिनिशिंग का काम शुरू करवाएं और जो जो शॉपिंग और जो जो चीज़ें होंगी ना वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अभी हम लोग वैसे चक्कर लगाने आए थे
मैंने जफर से कहा, मैंने कहा आज ना सबसे शेर कारी देते हैं अपने घर का। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, बच्चों को छोड़ के आए थे, चलते हैं घर वापस। तो आई थिंक उस घर का और इस घर का आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे सबके घर अलहदा अलहदा नहीं है, माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा। तो इसीलिए जो भी घर होता है, जो भी चीज़ होती है, वो हम सब की होती है, सब बहन भाइयों की, सब हमारी पूरी फैमिली की, पेरेंट्स की, सब की। तो ये घर अब जैसे जैसे कंप्लीट होगा, जैसे जैसे सारी फिनिशिंग होगी, वो अब आगे आगे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अभी बहुत गर्मी है, धूप है, चलते हैं। अब 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह आपको अंदर से भी सब कुछ दिखाएंगे, कैसे कैसे फिनिशिंग का काम होना है, क्या क्या सब चीज़ें सोची हुई हैं, क्या जफर की, का शान की, सबकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं, वो नेक्स्ट जो आपके साथ करेंगे शेयर। अभी चले, धूप में आंखें भी नहीं खोल रहे हैं। यहाँ पे ना काफ़ी सारे माशाल्लाह माशाल्लाह घर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं और डेवलपमेंट भी साथ साथ चल रही है। जैसे जैसे घर ऑलमोस्ट, अभी हमारे घर को भी 6 माह लग जाएंगे मिनिमम भी फिनिशिंग का काम, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेते हैं। और अभी जो यहाँ ट्रेंड जो ज़्यादा शुरू हुआ ना, स्पेनिश स्टाइल में शुरू हुआ है। मैं पहले जफर को बता रही थी कि वहाँ यहाँ ही स्पेनिश स्टाइल है, अदरवाइज वहाँ स्पेन में इस तरह के कोई सिटीज में कोई नहीं, टोटल अपार्टमेंट सिस्टम है। बाहर जो मतलब थोड़े से करीब करीब जो टाउन है या कस्बे कह लें, गाँव कह लें, उनमें विलास टाइप है जिन्हें वो कासा कहते हैं, वरना ये पाकिस्तान में इन सब चीजों का ट्रेंड है। और अब बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, इधर भी ना काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। हाँ, कंस्ट्रक्शन भी काफी हो रही है। और आपने ये देखा है कि सारे ना वो देखे, जैसे वो वाला भी है, सारे घर वाइट वाइट और सारे ना स्पेनिश स्टाइल में बन रहे हैं। ये यहाँ ही सबने नाम रखा है इसका, स्पेनिश स्टाइल घर है। तो यह कि हमारी फैमिली में भी फिर शौक आ गया कि चलो, अभी आपको पता है हमारा प्लॉट उस तरफ भी है, लेकिन वहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। बीच में थोड़ा सा बना था लेकिन फिर वो हुआ कैंसिल, क्योंकि उस तरफ इतनी ना अभी हमारी कॉलोनी में वहाँ बहुत सारे घर बन गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना मतलब थोड़ा सा हटके है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इस, ये भी देखें, ये भी स्पेनिश स्टाइल में घर बन रहा है। ये पिलर्स और ये थोड़ी सी, ये जिस तरह की इनकी फिनिशिंग है ना, ये और ये वाइट कलर, ये सब चीज़ें जो है ना इसकी उसमें आती हैं। और यहाँ पे आ गया जी हमारी कॉलोनी का पार्क भी। हमारी कॉलोनी में क्रिकेट एकेडमी भी है छोटी सी, बच्चे क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, फैसिलिटेशन पूरी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 माह में जब कंप्लीट होगा तो फिर कभी हम उस घर रहा करेंगे, कभी हम इस घर रहा करेंगे। तो बाकी आई होप आपको भी हमारा घर अच्छा लगा होगा। यहाँ पे बिजली भी अंडरग्राउंड ही है, अंडरग्राउंड बिजली है, ये अच्छी चीज़ है जफर। अंडरग्राउंड बिजली वाला काम साहिवल में शुरू हो गया है काफी सारी जगहों पे, लेकिन ये अच्छी चीज है कि तारों का कोई झंझट नहीं है। क्रिकेट एकेडमी है। हाँ, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं वापस घर। और एक बात मैंने बतानी थी ये कि अभी तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमारा प्लान था कि बिल्कुल जब घर कम्प्लीट हो जाएगा ना फिर डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन अब क्योंकि मुहर्रम भी शुरू हो रहा है और कुछ फिनिशिंग का काम ज़्यादा ही अभी टाइम लग जाए, तो हमने सोचा कि चलें आप सब भी हमारी फैमिली का हिस्सा, तो आपके साथ ये अच्छी खबर जो है ना वो शेयर कर लेते हैं। क्योंकि फिनिशिंग जैसे जैसे अब होगी, फिर जब घर कंप्लीट होगा, होम टूर सब चीज़ें, ये तो आगे जाके आपके साथ शेयर होंगी इंशाल्लाह। तो आप सब ने बहुत ज़्यादा अपनी दुआओं में स्पेशली हमें याद रखना है और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है। हम मिलेंगे आपसे किसी बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।